गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर साइंस क्लास। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लेसन 4 प्लांट्स अराउंड अस के पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर शेयर किए थे। आई होप आपने उन्हें अपने फेयर नोटबुक पर राइट कर लिया होगा। बच्चों, आज मैं आपको लेसन 4 के कीवर्ड्स और पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर शेयर कर रही हूँ। आपने इन्हें ध्यान से सुनकर समझकर फिर अपने फेयर नोटबुक पर राइट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट कीवर्ड्स। फर्स्ट, एरियल, ग्रोइंग इन द एयर। एरियल मीन्स जो एयर में ग्रो करते हैं उन्हें एरियल कहा जाता है। कैविटीज, होलो स्पेस मीन्स खाली स्पेस जो होता है उनको कैविटीज कहा जाता है। कॉनिकल, रिजेंबलिंग अ कोन, एक कोन की शेप वाला जो होता है उसको कोनिकल कहा जाता है। अपरूट, टू पुल बाय द रूट्स, जड़ समेत उखाड़ना अपरूट कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट ई क्वेश्चन आंसर। लिस्ट फॉर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लेन्स, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड कोल्ड रीजन्स, दीज आर द फोर डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ इज कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन। बच्चों, जो कैक्टस प्लांट होता है वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर पाता है। कैक्टस प्लांट हैज़ डीप रूट्स फॉर अंडरग्राउंड वाटर यूजेस एंड स्पाइन प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन। इट हैज़ ग्रीन फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर एंड फूड। जो कैक्टस प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप तक जाती हैं और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको यूज़ कर लेती हैं। एंड उसकी जो कैक्टस की लीव्स की जगह स्पाइंस होते हैं, ये स्पाइंस क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर को रोकते हैं। और इसकी जो फ्लैशी स्टेम होती है, ग्रीन फ्लैशी स्टेम होती है, उसमें वाटर और फूड स्टोर होता है जिससे वो सर्वाइव कर पाते हैं। व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स, स्टेट दियर टाइप्स एंड गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, अपने इसके हर एक के दो एग्जाम्पल बताने हैं। द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। द प्लांट विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उसे हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट एंड अंडर वाटर प्लांट। लेकिन जो फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट होते हैं उसके आगे टू टाइप्स होते हैं। फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स के भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, फ्री फ्लोटिंग प्लांट, वाटर लेट्यूस एंड डकवीट। एंड सेकेंड इज फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स, लोटस एंड वाटर लिली। अंडर वाटर प्लांट्स के एग्जाम्पल हाइड्रिला एंड स्पॉन्जिला। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स क्या होते हैं। द प्लांट्स विच आर प्लांटेड एंड ग्रोन बाय सोइंग सीड्स आर कॉल्ड कल्टीवेटेड प्लांट्स। व्हाई शुड वीड्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड्स। खेतों में से वीड्स को निकालना क्यों चाहिए। वीड्स जो अनडिज़ायरेबल अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उन्हें हमें क्यों निकालना चाहिए। वीड्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड्स बिकॉज वीड्स अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कॉज हार्म टू द कल्टीवेटेड प्लांट्स। जो वीड्स होते हैं उन्हें हमें खेतों में से हटाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो मिट्टी की में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और जो कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं उनको फिर पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जिससे उनका नुकसान होता है और उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए हमें वीड्स को हटा देना चाहिए खेतों में से। ओके, तो बच्चों ये पार्ट ए के क्वेश्चन थे। आपने इन्हें अपने फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर राइटिंग में राइट करना। ओके, थैंक यू।